दोस्तों आज हम जानेंगे नाभि में तेल डालने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ नाभि में तेल डालने से आपको बहुत से फायदे हो सकते हैं। आइए जरा वीडियो को विस्तार से देखिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर मुख्य 7 चक्र से मिलकर बना है, जिसमें से नाभि चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के नाभि यानी कि बैली बटन एक ऐसा पार्ट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में नर्व की एंडिंग 3 जगह पर होती है, मस्तिष्क, हृदय और नाभि। अगर आपका नाभि चक्र स्वस्थ नहीं है तो चेहरे का नेचुरल ग्लो चला जाता है और डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, आंखों में रुखापन, कब्ज जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। माँ के पेट में भी सबसे पहले नाभि का विकास होता है और नाभि के हेल्प से ही बच्चे तक खाना पहुँचता है। माँ के कोख में बच्चे की नाभि डेवलप होने के बाद ही हार्ट और ब्रेन डेवलप होते हैं। जब मनुष्य की डेथ होती है तो हृदय और मस्तिष्क उसी टाइम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन नाभि मौत के 4 से 5 मिनट के बाद भी एक्टिव रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाभि स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि नाभि में तेल डालकर सोने से नाभि स्वस्थ रहने के साथ साथ किन किन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से तेल लगाने हैं और इससे क्या फायदे होते हैं। दोस्तों 20 ml बादाम रोगन तेल, 20 ml देशी गाय का घी और 20 ml सरसों का तेल, तीनों को मिक्स करके एक डब्बी में रख लें और रात को सोते समय हल्का गुनगुना करके 5 से 7 बूंद नाभि में डालें और इसे लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने दें। कुछ तेल नाभि के अंदर अवशोषित हो जाएगा, फिर बाकी तेल को हल्के हाथों से मसाज कर नाभि के चारों ओर फैला लें। अगर आप तेल को गर्म ना कर सकें तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ नाभि में तेल डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। रोजाना सोने से पहले नाभि पर 5 से 7 बूंद तेल की डालें और उसके आसपास फैलाकर हल्के हाथ से मसाज करें। इससे कमर और जोड़ों का दर्द दूर होगा, शरीर में लचक बरकरार रहेगी। चेहरे पर बार बार पिंपल्स होने की समस्या से परेशान रहते हैं तो इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा, पिंपल्स गायब होने लगेंगे। चेहरे पर ग्लो नहीं है तो इससे स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट होगी। इस तेल में विटामिन ई की मात्रा होती है जिससे आंखों और ब्रेन दोनों हेल्दी रहते हैं। लगातार उपयोग से चेहरे के रिंकल्स यानी कि झुर्रियां, फाइन लाइंस, बुढ़ापे की निशानी कम होते नजर आएंगे। नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं की वृद्धि और सुरक्षा होती है। फटे हुए होंठ नरम और गुलाबी हो जाते हैं, इससे आंखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं और गर्भाधारण की संभावना बढ़ती है। इसके लगातार उपयोग करने से आपकी आयु भी लंबी होती है। दोस्तों लगातार आप नाभि में इस तेल को डालकर देखिए, यकीनन आपको कुछ ही दिनों में फायदा दिखेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।